हाल ही में भोजपुरी की तीन फिल्में मुंबई में एक साथ सिनेमाघरों में धमाल मचाए हुए हैं। इन फिल्मों का नाम है वांटेड, बॉर्डर और अवारावलम। अवारावलम को देखने के लिए बीते दिन पहले फिल्म के मेकर चंदन उपाध्याय, अवधेश मिश्रा जो कि सुपर विलन है, और अरुण सिंह एक साथ मुंबई के एक सिनेमाघर में पहुंचे, जहां फिल्म देखने के बाद बाहर आए इन तीनों कलाकारों ने अपने अपने इंटरव्यू दिए। अवधेश मिश्रा से जब अवारावलम की तारीफ पूछी गई तो उन्होंने तो जैसे मानो कल्लू के तारीफों के पुल ही बांध दिए। इसके अलावा अवधेश मिश्रा ने एक बात का और जिक्र किया, ये कहकर कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्मों के लिए सिनेमाघर रेगिस्तान जैसा बना हुआ था, क्योंकि बीते कुछ महीनों से भोजपुरी फिल्मों को देखने के लिए सिनेमाघरों में लोग पहुंच ही नहीं रहे थे, लेकिन भोजपुरी फिल्म बॉर्डर ने रेगिस्तान में जैसे बारिश की बूंद का काम किया है और दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाई है। इस फिल्म पर मिलते रिस्पॉन्स को देखकर मुझे लगा है कि अब शुरुआत हो गई है और अब अच्छी अच्छी फिल्मों को लोग देखने जरूर आएंगे और देखने जरूर जाएंगे और सराहना भी करेंगे, तो मुझे रेगिस्तान में बॉर्डर बारिश की बूंदें लगी हैं। वेल, जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों पहले अवधेश मिश्रा ने एक और इंटरव्यू बॉर्डर के लिए दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस फिल्म को ज्यादा खास या सबसे खास नहीं बताऊंगा, लेकिन फिल्म अच्छी है इस बात में कोई शक नहीं है। और हालिया इंटरव्यू में अवधेश मिश्रा ने इस फिल्म को सुपरहिट बता ही दिया, यानी ये फिल्म देखने के बाद उन्हें भी बहुत पसंद आई है। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।